What's up everyone, welcome back to my mini vlog guys. I hope you all are doing great. जितना एनर्जी से मैं आप सभी का वेलकम कर रही हूँ ये है नहीं एक्चुअली मैं बहुत बड़ा ब्लेंडर करके रखी हूँ अपनी लाइफ में. एक्चुअली क्या हुआ आफ्टरनून जब मैं लंच की उसके बाद मुझे फ़ोन आ गया कि मुझे एक मीटिंग है और मुझे जाना है, तो मैं फटाफट गई हूँ और अभी आ रही हूँ. और मैं बहुत ज़्यादा टायर्ड हो गई थी क्योंकि टाइम क्या हो गया है, ऑलमोस्ट समय आपका हो गया है सी 10 बजने वाला है. इसमें नहीं दिख रहा है लेकिन कितना 21:40 यानी 10 बजने वाला है. तो मैं इसलिए बता रही हूँ गाइस कि मैं आई और बहुत ज़्यादा थक गई थी. मैं बाहर चाय तक नहीं पी हूँ, अभी जा रही हूँ चाय बनाऊँगी. और कितना जल्दी में थी मैं आप सबको दिखा देती हूँ. ये पूरा भरकर बकेट है ना, मैं कपड़ा अपने हाथ से धोई हूँ मैं इसमें बता दे रही हूँ, क्योंकि मेरे मशीन अभी वॉशिंग मशीन का कनेक्शन नहीं हो पाएगा तो वो मैं हाथ से ही धोकर फटाफट गई हूँ और मैं आप सबको दिखा. मैं आते के साथ मुझे फ़ोन आया कि आलू भर के पराठा खाना है, तो मैं आलू चढ़ा कर बस लेट गई थी कि आलू हो जाएगा उसके बाद मैं चाय बनाऊंगी और चाय पीऊंगी. लेकिन तब नींद आ गया, समझ में ही नहीं आया और थैंक गॉड कि फटाक से मेरी नींद भी खुल गया. बहुत तो नहीं जला पर थोड़ा बहुत, पर ठीक है ओके, जला नहीं है बस हल्का सा ऐसा हो गया. और मेरे साथ में तो ऐसा है, ये आपको दिख रहा होगा, ये मुझे जो बेड है उसके नीचे रखना था लेकिन ये किसी ने रखा नहीं, मुझसे रखा नहीं जा रहा. अब कोई आएंगे तो मैं रिक्वेस्ट करूँगी अब उन्हें प्लीज़ इसे उठा के उसके अंदर डाल दो. लेकर आई थी सी, अभी मैं चाय बनाती हूँ. ये तो चली गया, थोड़ा सा मेरी किचन गंदा, थोड़ा नहीं बहुत, क्योंकि मैं फटाफट खाना वाना बना कर चली गई थी और साफ बर्तन भी देख सकती हूँ कितना गंदा है. तो मैं सोच रही हूँ एक दो बर्तन धो दिए थे गैस, क्योंकि अभी आएंगे लोग तो खाना किस स्टेज में खाएंगे. ज़्यादा बर्तन में रखी नहीं, बाहर नहीं निकाली हूँ तो फटाफट धो देती हूँ. मेरा चाय भी हो रहा है. Thank you.
गाइस फाइनली मेरा आटा भी घुल गया और इधर स्टफ भी रेडी हो चुका है। अब जब वो लोग आएंगे तो फटाफट में गरम गरम बनाते चले जाऊंगे और देते चले। बहुत टाइम हो गया फटाफट वो लोग आए नहीं, एक्चुअली 11:30 हो गया तो मैं सोच रही हूँ यार अब बना कर फ्री हो गया है, अभी तक आए नहीं है। नो वन खाना होगा हम लोग खाएंगे, मैं तो खा के सो जाऊंगी नहीं ऐसा नहीं मैं खा के सो जाऊंगी लेकिन फ्री हो जाती हूँ यार बहुत टाइम हो गया। गुड मॉर्निंग एवरीवन, कल बहुत बड़ा नाटक हो गया, खाना तो बन गया, वेट करते 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 वो लोग आए ही नहीं, बड़ा दिमाग खराब हो गया। एक्सीडेंट होते होते बच गया बेचारी का, सारा सब्जी गिर गया, पत्ता गोभी भी है। कपड़ा डाल दी सूखने के लिए, पांच कपड़ा हो जाते गए। कल रात में कपड़ा धोए थे ना तो जो था वो इधर मैं डाल दी सोफे पे, इधर डला हुआ है, अभी भी बहुत सारा कपड़ा है जो उसमें डल गया, अभी इसमें इतना सारा कपड़ा है। मेरा लंच भी हो गया तैयार, यहाँ मैं बनाई हुई चिकन मस्त वाला और इधर है राइस। तो मेरा लंच भी हो गया रेडी और जो कल ही आए थे वो बोले अभी आऊँगा और लंच करूँगा साथ में, लेट्स सी कब तक आते क्योंकि 3 तो बज गया है और मुझे लग रही भूख, 3 तो हो गया तो अभी 10-15 मिनट और देख लेते हैं, आ गए तो विच इज़ गुड, नहीं आए तो मैं खा लूँगी। और आज कुछ ज़्यादा ही भूख लग रहा है, आई डोंट नो क्यों, पर हाँ लग रहा है, पता नहीं बहुत दिन बाद मैं चिकन बनाई इसलिए भूख लग रहा है कितना डबल स्टैंडर्ड है ना, ओ गॉड लगता आ गए यप। चलो मिलते थोड़ी देर के बाद। ये 250 ग्राम दे दीजिए नान खटाई, ये भी नान खटाई है ना भैया? मेरा बर्थडे भी आ रहा है, पाइनएप्पल माय फेवरेट। एक पाइनएप्पल और नान खटाई। थोड़ा सा नान खटाई ले लियो और पेस्ट्री ले लियो, मेरा फेवरेट पाइनएप्पल फ्लेवर। और चलो इस ब्लॉग इधर ही एंड करते गाइस क्योंकि अभी कुछ है नहीं खास करके, आज डिनर भी नहीं बनाना, डिनर ऑलरेडी है, बस 2 पराठा सेकूंगी अजवाइन डाल के, थोड़ा डाइजेशन में मेरा हेल्प करेगा या
तो ये था आज का ब्लॉग गाइज, आई होप आप लोग इंजॉय कर रहे होंगे। अगर इंजॉय किए तो प्लीज़ डू लाइक शेयर सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल विच इज़ MS Rare ब्लॉग। अपना ख्याल रखो, अपनों को ख्याल रखो। बाय, गुड नाइट, फिर मिलते एक नए ब्लॉग के साथ।